छिंदवाड़ा में साली की शादी में पहुंचे जीजा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सभी बारातियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जयमाल की रस्म हो रही थी, तभी पता चला कि दुल्हन के जीजा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने दूल्हा दुल्हन समेत सभी बारातियों को क्वारंटीन कर दिया है। छिंदवाड़ा में शादी समारोह में जयमाल की रस्म के बीच दुल्हन के जीजा की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ने रंग में भंग कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगी तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रामबाग में प्रशासन ने दूल्हा दुल्हन घराती बराती समेत आसपास के 93 व्यक्तियों को शेल्टर होम पहुंचा दिया। वहीं पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया। गौरतलब है कि रामबाग क्षेत्र में न्यूटन चिकली से आई बारात में जयमाला की रस्म हो रही थी कि वधू के जीजा की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से लोग घबरा गए, जिसके बाद फौरन मेडिकल टीम और प्रशासनिक टीम ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। बता दें कि दुल्हन का जीजा दिल्ली में CISF का जवान है। यह व्यक्ति कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा पहुंचा था और 5 दिन से शहर में रह रहा था। हाँ, अभी जितने रिपोर्ट के लिए भेजे गए थे सैंपल कल, उसमें से एक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, तो उसमें अभी आगे की कार्रवाई एज पर प्रोटोकॉल किया जा रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा और उनके पते के हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से छिंदवाड़ा में लालबाग क्षेत्र और जुन्नारदेव के दमुआ में एकता कॉलोनी है, इन दो स्थानों पे उनके होने की खबर मिली है, उसकी पुष्टि की जा रही है और बहुत तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।